कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है आपका 15 जनवरी 2021 से और रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 12 जनवरी 2021 से। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 हेतु अगर अभी तक आपने बेहतर तरीके से करंट अफेयर को प्रिपेयर नहीं किया है या फिर आपने करंट अफेयर को बेहतर तरीके से रिवाइज नहीं किया है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स के माध्यम से आप अपने करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को बहुत सॉलिड बना सकते हो। 25 घंटे के इस प्रोग्राम में करंट अफेयर्स के हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फिर एक्टिविटीज को शामिल किया गया है, हर एक इंपॉर्टेंट पहलू को शामिल किया गया है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और अगर आपको सीजीपीएससी परेशान ना करना चाहे तो हर एक क्वेश्चन यहां से फंसने की संभावना है क्योंकि इसे डिजाइन इस तरह से किया गया है, इसे सिंप्लीफाई इस तरह से किया गया है, इसे बाइफरगेट इस तरह से किया गया है। अगर थोड़ा सा यहां पर मैं इसके बारे में बताऊं तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के टोटल 6 घंटे की वीडियोस मिलने वाले हैं जिसमें पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट जितने स्कीम्स हैं, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स हुए हैं, इसके अलावा जितने भी इकोनॉमिक्स इवेंट्स हुए हैं, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, मिसलेनियस, हर एक पार्ट को कवर किया गया है। इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर के यहाँ पर आपको 10 घंटे के वीडियोज मिलने वाले हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर के आपको यहाँ पर 4 घंटे के वीडियोस मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के यहां पर 5 घंटे के वीडियोस मिलने वाले हैं और 25 घंटे में आपका पूरा करंट अफेयर कवर कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा 12 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशन शुल्क है आपका मात्र 1000 रुपए। यहां पर आपको 25 घंटे के वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप बेहतर तरीके से करंट अफेयर का प्रिपरेशन करना चाहते हो, बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप इस कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रोग्राम से जरूर जुड़िएगा। और आज के इस लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है, पूरे की पॉइंट्स के साथ में कवर किया गया है ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे। पूरी कोशिश है कि 100% क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएं। ये पूरी कोशिश है मेरी, हालांकि ये एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर एक इवेंट्स को यहां पर शामिल किया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर सीजीपीएससी आपसे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन ना पूछे और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वहां से क्वेश्चन पूछे तो 100% क्वेश्चंस की गारंटी है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आज से शुरू किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को इस तरह से बाइफरगेट किया गया है। पहले पार्ट में हम जितने भी छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स हुए हैं, एक्टिविटीज हुए हैं, उसे एनालिसिस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स को देखेंगे, हेल्थ इश्यूज को देखेंगे, इसके अलावा एजुकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसे भी देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, एक्टिविटीज हुए हैं, उन सब पर एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जो खासकर वर्ष 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स शुरू किए गए हैं, उन सब पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। और लास्ट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मिसलेनियस होगा। छत्तीसगढ़ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो न्यूज में है, उन सब का एनालिसिस हम मिसलेनियस में करेंगे। तो हर एक पॉइंट को कवर किया गया है, बेहतर तरीके से बाइफरगेट किया गया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िएगा अगर आप बेहतर तरीके से करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हो या प्रिपेयर करना चाहते हो प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इस पार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं, जितने भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स हुए हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज हुए हैं, आज इस लेक्चर में हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहला टॉपिक है नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019, यानी कि अर्बन बॉडीज के लिए 2019 में जो इलेक्शन हुआ दिसंबर 2019 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप दिसंबर 2019 से लेकर आप 15 जनवरी 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स के पार्ट हैं, उन सबको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो 2019 में अगर नगरीय निकाय का चुनाव हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्बन बॉडीज के जो भी इलेक्शन हुए हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखना है, सिर्फ वही चीज यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि हम यहां पर बेहतर तरीके से रिवाइज कर रहे हैं और जितना परीक्षा में प्रीलिम्स में पूछा जाएगा उतनी ही चीजों को हमें पढ़ना है। दैट्स इट। चलिए,
मतदान कब हुआ? 21 दिसंबर 2020 को। मतदान का प्रतिशत कितना रहा, यानी कि परसेंटेज कितना रहा वोटिंग का? 78.73%। पिछले आम निर्वाचन से 0.77% ज्यादा वोटिंग हुआ इस वर्ष। सबसे ज्यादा वोटिंग कौन से जिले में हुआ? तो सबसे ज्यादा वोटिंग आपका धमतरी जिले में हुआ, परसेंटेज याद रखिएगा 86.62%। सबसे कम मतदान वोटिंग कौन से जिला में हुआ? तो बीजापुर जिले में हुआ, 59.88%। कुल नगरीय निकायों में संपन्न चुनाव, यानी कि छत्तीसगढ़ में लगभग 166 जो है अर्बन बॉडीज हैं, और उस 166 अर्बन बॉडीज में से कितने अर्बन बॉडीज में इलेक्शन हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नगर निगम टोटल कितने? 10। टोटल है कितने नगर निगम? 14। तो 14 में से 10 नगर निगम में इलेक्शन कंडक्ट हुआ। नगर पालिका 38, नगर पंचायत 103, और कुल नगरीय निकाय 151 नगरीय निकायों में जो है वो चुनाव संपन्न हुआ। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट टाइम पर अर्बन बॉडीज की स्थिति किस प्रकार से है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम की जो संख्या है वर्तमान समय में 14, पहले 13 था। एक आपका भिलाई से अलग होकर रिसाली नया नगर निगम बना, तो वर्तमान समय में नगर निगम की जो संख्या है वो आपका 14 है। आगे मैं रिसाली के बारे में भी बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल यहां पर इतना ध्यान रखिए। नगर पालिका की संख्या वर्तमान समय में कितना है? 43। नगर पंचायत की संख्या कितना है? 109। और कुल नगरीय निकाय की संख्या कितना है? 166। क्लियर। चलिए, नगरीय निकाय चुनाव 2019 में टोटल कितने वोटर्स शामिल हुए? शामिल कहने का मतलब है कि टोटल कितने वोटर्स शामिल हुए इस इलेक्शन में, तो यहां पर यह नंबर है 39,82,601 वोटर्स जो है इस अर्बन बॉडीज इलेक्शन में शामिल हुए, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या यानी कि मेल वोटर्स की जो संख्या है 19,93,354। इसके अलावा वुमेन जो फीमेल वोटर्स हैं इनकी संख्या है यहां पर 19,88,804, और अदर्स वोटर्स में चले जाओगे तो 442 अदर वोटर्स हो जाते हैं। और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कब आपका आया? 24 दिसंबर 2019 को। एक बात यहां पर अंडरलाइन करके लिखिएगा कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले जो अर्बन बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं उसमें महापौर को डायरेक्ट इलेक्शन के तहत चुना जाता था, यानी कि एक वोट आपको पार्षद के लिए डालना होता था और एक वोट आपको महापौर के लिए डालना होता था, यानी कि मेयर के लिए। लेकिन इस वर्ष जो है मेयर का जो चुनाव है या फिर अध्यक्ष का जो चुनाव है वो डायरेक्ट वोट से नहीं किया गया, यानी कि आपको सिर्फ एक वोट डालना था पार्षद को और वो पार्षद फिर मेयर को चुनते। तो इसीलिए पहली बार छत्तीसगढ़ में जो मेयर का इलेक्शन हुआ है वो इनडायरेक्ट हुआ है। क्लियर है? ठीक वैसे ही जैसे आप प्रधानमंत्री को चुनते हो, जैसे आप मुख्यमंत्री को चुनते हो, आप विधायक को वोट देते हो और विधायक या फिर सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं और विधायक जो है किसको चुनते हैं? मुख्यमंत्री को। तो उसी प्रकार से आपने सिर्फ पार्षद को वोट दिया और पार्षद जो है महापौर को चुनेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप ही जो है मेयर को भी चुनते थे और आप ही जो है पार्षद को भी चुनते थे, यानी कि इस बार जो है मेयर का इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। क्लियर? पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 10 मेयर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सीजीपीएससी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कई बार मेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। रायपुर के मेयर कौन इलेक्ट किए गए? एजाज ढेबर। बिलासपुर के कौन मेयर अपॉइंट किए गए? रामशरण यादव। दुर्ग के कौन है? धीरज नकलीवाल। राजनांदगांव के कौन है? हेमा देशमुख। जगदलपुर के कौन है? साफिरा साहू। अंबिकापुर के कौन है? अजय टिकरे। रायगढ़ के कौन है? जानकी काटजू। कोरबा के कौन है? राजकिशोर प्रसाद। और चिरमिरी से कौन चुने गए? कंचन जायसवाल। और इसके अलावा धमतरी से कौन इलेक्ट किए गए? विजय देवांगन। ठीक है, तो ये 10 मेयर का नाम आपको याद रखना होगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए, अगला हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव 2019-20। 2019 में कंडक्ट हुआ आपका अर्बन बॉडीज का इलेक्शन और पंचायत चुनाव जो है वो 2020-21 में संपन्न हुआ। तो इसके भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण 28 जनवरी को, दूसरा चरण 31 जनवरी को और तीसरा चरण 3 फरवरी को। तीनों डेट
याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब कब संपन्न हुआ, कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो तीन चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण 28 जनवरी 2020, दूसरा चरण 31 जनवरी 2020 और तीसरा चरण 3 फरवरी 2020। क्लियर है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत राज्य के कितने 27 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत और 11,664 ग्राम पंचायतों में वोट डाले गए। पंचायतों में मतदाताओं की स्थिति किस प्रकार से थी, तो टोटल जो वोटर्स थे 1,44,68,763। इसमें से मेल वोटर्स कितने थे, 95,54,252। फीमेल वोटर्स कितने थे, 72,59,274। तो वोटर्स याद रखिएगा और अदर्स में 151। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आगे यहां पर पंचायत चुनाव में आपको मत पत्र का रंग भी याद रखना है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि जो पंचायत का चुनाव हुआ वो वैलेट पेपर से किया गया था, इसीलिए यहां पर मत पत्र का रंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो अर्बन बॉडीज का इलेक्शन था वो आपका ईवीएम मशीन से किया गया और यहां पर जो पंचायत का चुनाव था इसमें आपका मत पत्र का इस्तेमाल किया गया। तो जिला पंचायत सदस्य के लिए जो मत पत्र का कलर था वो गुलाबी कलर का था, यानी कि पिंक कलर का था। जनपद पंचायत सदस्य के लिए यहां पर येलो कलर का था, यानी कि पीले कलर का। और सरपंच के लिए यहां पर नीला यानी कि ब्लू कलर का था और पंच के लिए व्हाइट यानी कि सफेद कलर का था। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 भी लाया गया। और यह संशोधन किस लिए लाया गया, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ सरपंच चुनाव हेतु कम से कम 8वीं और छत्तीसगढ़ के पंच चुनाव हेतु 5वीं पास होना आवश्यक था। यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ में सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको 8वीं पास होना जरूरी है, और अगर आप पंच का चुनाव लड़ना चाहते हो तो 5वीं पास होना जरूरी है। लेकिन 2019 के इस संशोधन के बाद अब शिक्षा की बाध्यता को हटा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहले अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ते थे तो 8वीं पास होना जरूरी था, पंच का चुनाव लड़ने के लिए 5वीं पास जरूरी था। लेकिन इस संशोधन के तहत इस बाध्यता को हटा दिया गया, सिर्फ साक्षर होना जरूरी है। याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ साक्षर हो, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो आप एलिजिबल हो सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए और पंच का चुनाव लड़ने के लिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रदेश का 28वां जिला गौरेला पिंडरा मारवाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अनाउंसमेंट और प्रोसीजर जो है पिछले साल शुरू कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल के एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो इस वर्ष बहुत अधिक संभावना बन जाता है कि आपका 28वां जिला गौरेला पिंडरा मारवाही से एक न एक प्रश्न पूछा जाए, एक न एक प्रश्न टपक सकता है। तो इसीलिए आप ध्यान से इसके हर एक फैक्ट को करके जाइएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गौरेला पेंड्रा मारवाही जो जिला है वो अस्तित्व में कब आया, तो 10 फरवरी 2020 को आया। क्लियर है? घोषणा कब किया गया था, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 2019 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 28वां जिला अनाउंस किया गया था। मातृत्व जिला यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर गौरेला पिंडरा मारवाही बना, तो बिलासपुर से अलग होकर यह डिस्ट्रिक्ट बना। इसका अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप देखोगे तो यहां विधानसभा की सीट कितनी है, एक, और उस विधानसभा सीट का नाम क्या है, मारवाही, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां तहसील और विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो यहां तहसील और विकास खंड जो है वो टोटल 3 है, गौरेला पिंडरा मारवाही। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नए जिले की जो आबादी है यानी कि पॉपुलेशन है वो 3,36,420 है। और अगर यहां पर ट्राइबल्स पॉपुलेशन देखें तो 57.09 यानी कि 1,92,073 यहां पर ट्राइबल्स पॉपुलेशन है। और इसी पॉपुलेशन की वजह से यह जो है एक अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स एक डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है? तो ये इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा। आगे आपको क्या याद रखना है, टोटल जो एरिया है इस जिले का कितना है, 23,007.38 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप इसकी सीमाएं देखोगे तो नॉर्थ में
कौन सा तहसील है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? कोरिया में। साउथ में अगर चले आओगे गोरेला पिंडरा मारवाही के, तो यहां पर कोटा तहसील मिलेगा जो कि बिलासपुर में स्थित है, और बिलासपुर से अलग होकर ऊपर साइड में आपका गोरेला पिंडरा मारवाही बना, और मुंगेली का बिलासपुर से अलग होकर मुंगेली भी जिला बना, तो मुंगेली का एक तहसील आता है लुमरी। तो इस तरह से साउथ साइड में दो तहसील आ जाता है, कोटा बिलासपुर जिले का और मुंगेली का लुमरी। इसके अलावा आप ईस्ट में चले जाओ तो कटघोरा तहसील मिलेगा जो कि कोरबा में स्थित है, और वेस्ट साइड में चले जाओगे तो ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता है जो कि सुहागपुर और पुष्पराजगढ़ तहसील मिलता है, जो कि अनूपपुर जिले में, जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश में है। तो वेस्ट साइड ये मध्य प्रदेश से लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पहला एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से भी पूछा जा सकता है, कलेक्टर किसे अपॉइंट किया गया? करेला पेंड्रा मारवाही का सबसे पहला कलेक्टर अपॉइंट किया गया शिखा राजपूत तिवारी, और एसपी पहला अपॉइंट किया गया सूरज सिंह को। दैट्स इट। तो इस तरह से प्रदेश के 28वें जिला करेला पेंड्रा मारवाही के इतने फैक्ट्स को आपको यहां ध्यान रखना होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा टॉपिक है रिसाली बना नया नगर निगम। शुरू में मैंने बताया कि प्रदेश का 14वां नगर निगम भिलाई से अलग होकर रिसाली को बनाया गया है। क्लियर है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि रिसाली नगर निगम अस्तित्व में कब आया, यानी कि कब से यह नगर निगम इफेक्टिव हुआ, तो आपका 27 दिसंबर 2019 से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। 40 वार्ड वाले रिसाली नगर निगम को दुर्ग जिले का चौथा नगर निगम कहा जाएगा, यानी कि इससे पहले दुर्ग में कितने नगर निगम थे? 3 नगर निगम थे। कौन कौन सा? एक आपका दुर्ग हो गया, एक आपका भिलाई हो गया, और तीसरा आपका चौरौदा, और अब जो है रिसाली चौथा नगर निगम होगा जो कि भिलाई से अलग होकर बना है। 40 वार्ड, और बाद में इसका विस्तार करके इसको 80 वार्ड तक ले गया गया। ठीक है। रिसाली नगर निगम दुर्ग जिले का चौथा तथा दुर्ग संभाग की अगर हम बात करें तो 5वां नगर निगम होगा। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रायपुर और कोरबा के बाद भिलाई पहले तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम हुआ करता था। सबसे पहला यानी कि सबसे बड़ा नगर निगम आपका रायपुर है, उसके बाद कोरबा आता है, उसके बाद भिलाई आता था 154 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब जो है भिलाई 54 स्क्वायर किलोमीटर जब कम हो गया तो यह चले गया चौथे नंबर पे। क्लियर है। तो इस तरह से रिसाली नगर निगम से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको यहां ध्यान रखना है, और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में रिसाली नगर निगम में इलेक्शन भी होने हैं। हालांकि 2020 के अंत में ही होना था, लेकिन शायद कोरोना काल की वजह से यहां इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पाया। क्लियर है। चलिए इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, और उस अपराध को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना था प्रत्येक राज्य में। हालांकि यह जो अनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन दिया गया था वर्ष 2012-13 में ही दिया गया था, लेकिन अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया था, और अब हाल ही में यानी कि वर्ष 2020 में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है? तो 9 जिलों में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया है, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा गठन किया गया है। 9 जिलों का नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए। बलरामपुर, रामानुजगंज, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरिया, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर और अंबिकापुर। इन 9 जिलों में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे देश तथा राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसे कम करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए पॉस्को एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। अब ये पॉस्को एक्ट क्या है तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। यह एक्ट 2012 में आया था जो कि बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जो जघन्य अपराध होते हैं उसे कम करने के लिए, उसके खिलाफ काम करने के लिए इस पॉक्सो एक्ट को लाया गया था। क्लियर। चलिए बढ़े आगे। अगला हमारा टॉपिक है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का 22वां बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो 22वां बैठक है उसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया।
तो इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं? तो सबसे पहला यह हो जाता है कि इसका आयोजन कहां किया गया, तो नया रायपुर अटल नगर में किया गया। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो जितने भी क्षेत्रीय परिषद है उसकी अध्यक्षता सेंट्रल होम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है, यानी कि इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। तिथि क्या थी, 28 जनवरी 2020। मध्य क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा कि इसके गठन और पीछे इसके गठन के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कामों को लेकर या फिर जो भी बाकी कार्य हैं उसको लेकर संस्कृति विकसित किया जा सके, संतुलन बनाया जा सके, आपस में सहयोग किया जा सके, इसीलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जितने भी क्षेत्रीय परिषद होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और मध्य क्षेत्रीय परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस क्षेत्रीय परिषद में जितने भी मेंबर होते हैं तो प्रत्येक साल हर एक राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो उपाध्यक्ष के पद के लिए चुने जाते हैं। अन्य क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार से हैं, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इसमें आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये सारे, इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख आ जाता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसमें आ जाता है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य, संघ क्षेत्र दमन द्वीप और दादर नगर हवेली आ जाता है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी शामिल हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से क्षेत्रीय परिषद के बारे में याद आप रखिएगा कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए एक अलग से क्षेत्रीय परिषद है। ठीक, चलिए इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ से नवनियुक्त राज्यसभा सांसद। यह भी मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, तो वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सदस्य जो है वो चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा की सीटें हैं जिसमें से 2 का कार्यकाल 2020 में पूरा हुआ और 2 नए सदस्य जो है राज्यसभा पहुंचे। तो दोनों का नाम क्या है, पहला नाम है KTS तुलसी और दूसरा नाम है फूलो देवी नेताम। नाम याद रखिएगा, फूलो देवी नेताम कौन है, तो छत्तीसगढ़ के पिछड़े और आदिवासी बहुल इलाके से यानी कि बस्तर से आने वाली है और ये पहले विधायक भी रह चुकी है और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी है। और KTS तुलसी कौन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं और देश के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। तो दोनों का नाम याद रखिएगा और दोनों के बारे में भी याद रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट टाइम पर राज्यसभा सदस्यों की स्थिति किस प्रकार से है, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभी जो 2 अपॉइंट किए गए हैं, फूलो देवी नेताम कांग्रेस से हैं, जुलाई 2020 में अपॉइंट की गई हैं, इनका कार्यकाल जुलाई 2026 तक होगा। KTS तुलसी कांग्रेस के हैं, जुलाई 2020 में अपॉइंट किए गए, इनका भी कार्यकाल जो जुलाई 2026 तक होगा। इसके अलावा रामविचार नेताम भाजपा के हैं, 23 जून 2016 को अपॉइंट किए गए हैं, 9 जून 2022 तक इनका कार्यकाल होगा। छाया वर्मा कांग्रेस की हैं, 30 जून 2016 को अपॉइंट की गई हैं और 29 जून 2022 तक इनका कार्यकाल होगा। सरोज पांडे ये भाजपा की हैं, 3 अप्रैल 2018 को अपॉइंट की गई हैं और 2 अप्रैल 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा की सीटें हैं और 5 सदस्य किस प्रकार से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जाइएगा। ठीक, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देश की पहली निःशुल्क नालसा विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर। ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए कि ये कहां और कब शुरू किया गया। तो 29 फरवरी 2020 को शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया, जिला न्यायालय आपका रायपुर परिसर में इसकी शुरुआत की गई। हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 15100 हेल्पलाइन नंबर है और इसे शुरू किए जाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि नालसा विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर क्यों जारी किया गया है। तो अगर आपके पास में पैसे नहीं है, केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो इस विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर की मदद से आप यानी कि सभी व्यक्तियों को बेहतर ढंग से विधिक सहायता और सलाह उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया गया है।
नालसा के बारे में भी यहाँ पर समझ लीजिए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा है क्या, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका गठन जो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए 1987 में किया गया था, एक एक्ट के तहत किया गया था जिसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसका काम जो है कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और मूल्यांकन एवं निगरानी करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और इसका काम है। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित रेल परियोजना से रिलेटेड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में दो कॉरिडोर जो है रेल परियोजना है तो वो प्रस्तावित है और उसके लिए जो लैंड चाहिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से वो लैंड को अप्रूवल दिया गया है। तो कौन कौन से कॉरिडोर हैं और कौन कौन से रेल परियोजना छत्तीसगढ़ में विकसित किए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले ये देख लीजिए कि आखिर ये न्यूज में था क्या। तो छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल परियोजना के तहत खरसिया से धरमजयगढ़ और घरघोड़ा से डोंगा महौ तथा उर्गा से धरमजयगढ़ तक जो नई रेल लाइन बिछाई जा रही है और इसके लिए 104 किलोमीटर हेतु शासकीय भूमि का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर जो है भारतीय रेल डिपार्टमेंट को का जो प्रस्ताव था उसे पारित कर दिया गया है। तो अब यहां पर ये दो रेल कॉरिडोर के बारे में आप ध्यान रखिएगा। पहला कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट और दूसरा है ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो अगर हम ईस्ट रेल कॉरिडोर की बात करें तो ये है उर्गा से धरमजयगढ़ तक कॉस्ट कितना है 1686 करोड़ रुपए, जो कि 63 किलोमीटर की नई रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है और इसका शिलान्यास 2018 में किया गया था, ठीक है। और इस नई रेल लाइन पर 6 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। और ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना की अगर हम बात करें तो इस परियोजना को गेवरा रोड से पेंड्रा रोड तक 4,970 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो कि 135.3 किलोमीटर की नई रेल लाइन जो है वो बिछाई जाएगी, ठीक है। और इस ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर पर जो है टोटल 9 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रस्तावित रेल प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप सभी को ध्यान में रखना होगा। चलिए इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को 20 साल के बाद यानी कि राज्य गठन के बाद इसका खुद का प्रतीक चिन्ह मिला है, यानी कि पुलिस का बैच। तो इस बैच से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहां पर आप ध्यान रखिएगा। 19 साल 7 महीने बाद राज्य शासन के गठन के बाद जो है प्रतीक चिन्ह पुलिस को मिला है और राज्य शासन के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश पारित कर दिया था और इसकी शुरुआत कहां गई, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल यानी कि ट्रेनिंग स्कूल राजनांदगांव से इसकी शुरुआत की गई है। तो ये याद रखिएगा कि प्रतीक चिन्ह कहां लॉन्च किया गया, कहां से शुरू किया गया, तो राजनांदगांव से किया गया है, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा, गठन प्रतीक में गहरे नीले लग की ढाल है, इसके अलावा सुनहरा बॉर्डर है, अशोक चिन्ह है, इसमें सूर्य प्रगति चक्र है और इसके अलावा बाइसन हॉर्न बना हुआ है और साथ ही परित्राणाय साधु नाम सहित गठन वर्ष लिखा हुआ है। किस प्रकार से है ये यहां पर देख लो, ये है आपका बाइसन हॉर्न, यहां पर लिखा हुआ है परित्राणाय साधु नाम, गठन वर्ष लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का, ऊपर में यहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा हुआ है, ये आपका अशोक चक्र हो गया और ये आपका अशोक स्तंभ हो गया और ये जो है आपका गोल्डन कलर है और ये आपका ब्लू कलर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रतीक चिन्ह के बारे में याद रखिएगा। अगर इसके अंदर के डिजाइन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए, क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन जो है वो कहाँ बन रहा है, कहाँ निर्मित किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस भवन के यानी कि नए बिल्डिंग के निर्माण का जो अनावरण किया गया वो कहाँ किया गया, आपका नया रायपुर में किया गया, क्योंकि इसका निर्माण जो है नया रायपुर में ही किया जा रहा है। और कब किया गया, 29 अगस्त 2020 को, डेट याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया, तो सांसद श्रीमती सोनिया गांधी एवं सांसद श्री राहुल गांधी जी द्वारा किया गया, ठीक है। कहाँ, नवा रायपुर अटल नगर। कॉस्ट कितना आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग 270 करोड़ रुपए और एरिया कितना है 51 एकर्स, तो ये भी याद रखिएगा। और नए विधानसभा के सामने राजपथ जैसा मार्ग बनेगा जो कि इंद्रावती भवन और महानदी भवन को जोड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नहीं, लेकिन जितने बताए गए हैं उसे ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक है जातिगत आरक्षण का आधार बनाया जाएगा राशन कार्ड। इसके पीछे थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए। 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनाउंस किया गया कि ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास,
इनका जो रिजर्वेशन परसेंटेज है इसमें वृद्धि किया गया था। इसके अलावा SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, इसमें भी बढ़ोतरी किया गया। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास के लोग थे यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, उनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। और छत्तीसगढ़ में टोटल जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो 82% कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। और हाई कोर्ट ने कहा था कि OBC और जो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे रहे हो उसके लिए आपके पास आधार क्या है, क्या आधार है कि उनका पॉपुलेशन इतना है और उस आधार पे आप उनको इतना परसेंट रिजर्वेशन दे रहे हो। तो इस तथ्य के साथ में हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये पता करने के लिए कि छत्तीसगढ़ में अदर बैकवर्ड क्लास का पॉपुलेशन किस प्रकार से है और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की स्थिति किस प्रकार से है, इसलिए एक कमीशन का गठन किया गया था। उस कमीशन का नाम था छवि लाल पटेल कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। छवि लाल पटेल कमीशन का गठन किस उद्देश्य के साथ में किया गया था? तो अदर बैकवर्ड क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जनसंख्या को पता लगाने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो अब न्यूज में यह है कि इस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि राशन कार्ड को आधार माना जा सकता है यह पता लगाने के लिए कि छत्तीसगढ़ में अदर बैकवर्ड क्लास की स्थिति किस प्रकार से है। ठीक है, उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास को 27% रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ ने लागू किया था पिछले वर्ष, और 10% रिजर्वेशन जो है वो किसे दिया जा सकता है? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए। ठीक है, और इसके लिए राशन कार्ड धारकों की संख्या को आधार बनाया जाएगा। यह भी याद रखिएगा कि इनकी जनसंख्या को पता लगाने के लिए और इन्हें आरक्षण देने के लिए राशन कार्ड को जो है वो बेस माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर प्रदेश सरकार ने पिछले सितंबर 2019 में क्या क्या किया था इसके बारे में समझ लीजिए कि जो 14% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा रहा था उसे बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। एससी को जो 12% दिया जा रहा था उसे बढ़ाकर 13% कर दिया गया था, और 10% इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए दिया जा रहा था, और पहले से जो 32% एसटी के लिए यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो वैसे ही था। और इस तरह से 82% रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया था। तो जितने मैंने पॉइंट्स बताए उसको ध्यान रखिएगा, खासकर छवि लाल पटेल कमीशन के बारे में याद रखिएगा, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2020 से रिलेटेड है, यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन अमेंडमेंट बिल 2020, जिस पर हाल ही में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुहर लगा दिया है, यानी कि इसे अप्रूव कर दिया है। तो यह कौन से एक्ट को अमेंड करता है? तो ये अमेंड करता है छत्तीसगढ़ स्टेट अदर बैकवर्ड क्लास अदर बैकवर्ड कमीशन एक्ट 1995 को। ठीक है, अमेंडमेंट किस प्रकार से किया गया है? तो इस कमीशन में यानी कि ओबीसी कमीशन में जो अध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा जो सदस्य होते हैं वो तब तक अपने पद पर अब रहेंगे जब तक राज्य सरकार चाहेगी, यानी कि राज्य सरकार का जब मन किया उन्हें वापस बुला सकती है यानी कि हटा सकती है। और पहले जो इनका कार्यकाल था वो 3 वर्षों का फिक्स था, लेकिन अब राज्य सरकार जब तक चाहेगी तब तक वो वहां रहेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन से रिलेटेड भी यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनका गठन कब किया गया? जनवरी 2007 में किया गया, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी इस कमीशन से रिलेटेड देख लीजिए। आर्टिकल 341 के तहत पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया गया है हमारे संविधान में, और राष्ट्रपति को आयोग गठित करने का अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर राज्यों के लिए राज्यपाल द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक 2020, यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन अमेंडमेंट बिल 2020। और ये कौन से एक्ट को अमेंड करता है? तो ये करता है छत्तीसगढ़ स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन एक्ट 1995 को। क्लियर, और इस अमेंडमेंट पर भी हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। तो इसमें किस प्रकार से अमेंडमेंट किया गया है? सबसे पहला तो अमेंडमेंट यही है कि इसमें भी जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार चाहेगी, जैसा पिछले अमेंडमेंट में मैं आपको बताया, यानी कि पिछले टॉपिक में बताया। इसके अलावा इस कमीशन में 6 अशासकीय सदस्यों को अपॉइंट भी किया जाएगा।
कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में इस कमीशन में 3 सदस्य होते हैं, इसके अलावा 6 अशासकीय यानी कि नॉन गवर्नमेंटल पर्सन को भी अपॉइंट किया जाएगा, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मामलों के क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, यानी कि फिर उस क्षेत्र का ज्ञान रखते हों। और इस आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और इस आयोग में कम से कम 4 सदस्यों को, टोटल कितने हो गए, पहले 3 और इसमें 6 अपॉइंट किए गए, तो अब सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 9। और इस 9 सदस्यों में से कम 4 सदस्य शेड्यूल्ड ट्राइब्स के होने चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से इस अमेंडमेंट के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक है, हमने ओबीसी के बारे में एनालिसिस कर लिया, हमने एसटी के बारे में एनालिसिस कर लिया, अब है एससी के बारे में, यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन अमेंडमेंट बिल 2020। सॉरी, ये भी जो है शेड्यूल ट्राइब से ही रिलेटेड है, ठीक है, माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर पढ़ने में दिक्कत हो गई। तो इस कमीशन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अमेंडमेंट मैंने बता दिया कि अमेंडमेंट किस प्रकार से हुआ है। इसके अलावा इस कमीशन के बारे में याद रखिएगा, गठन कब किया गया, नवंबर 2000 में किया गया, और मूल राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, यानी कि इसमें 3 सदस्य होते थे, अब जब 6 अशासकीय सदस्य आ जाएंगे तो इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 9 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, सौर ऊर्जा नीति 2017 से 2027 जो अभी चल रहा है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि संशोधन किया गया है, और वो संशोधन किस प्रकार से किया गया है इस बात को ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट की तरफ से हाल ही में जो है सौर ऊर्जा नीति 2017 और 27 में संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट पर आपके लिए इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि अभी वर्तमान समय में कौन सी सौर ऊर्जा नीति लागू है। तो 2017 से 2027 तक सौर ऊर्जा नीति लागू है, यानी कि सौर ऊर्जा नीति जो है छत्तीसगढ़ में 10 वर्षों के लिए लाया जाता है। क्लियर है? चलिए इस संशोधन के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए कि अब 1 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी दिया जा सकता है। यानी कि अगर आप अपनी छत पे सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो पहले क्या था कि 10 किलोवाट से ज्यादा लगाते हैं तो आपको सोलर ग्रिड कनेक्टिविटी दिया जा सकता था, और अब जो है 1 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले आप सोलर रूफटॉप अपने छत पे लगाते हैं तो आपको ग्रिड कनेक्टिविटी दिया जाएगा। ये अमेंडमेंट है। और जैसे मैंने बताया कि पहले क्या था, 10 किलोवाट या उससे अधिक अगर आप रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं अपने छत पे तो ग्रिड से कनेक्टिविटी मिलेगा। छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017-27 के बारे में याद रखिएगा, अनुमोदन कब किया गया, यानी कि इसे शुरू कब किया गया, तो 20 जून 2017 को, और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च 2027 तक। क्लियर? चलिए अगला हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम बदल दिया गया है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम बदल कर क्या रखा गया है, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वन विभाग का भी नाम बदल दिया गया है, छत्तीसगढ़ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी औषधीय पादप से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसका जो देख रेख है इस एजेंसी द्वारा किया जाता है, और इसकी स्थापना जो है वर्ष 2004 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कई लोग इस टॉपिक में कंफ्यूज हैं कि 23 तो गठित किया गया ही है, साथ में 2 तहसील का और गठन किया गया है। तो 2 तहसील रायगढ़ का गठित नहीं किया गया है, अनाउंस किया गया है, तो इसीलिए कंफ्यूज होकर कमेंट मत कीजिएगा। आप लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो, क्योंकि हम यहां जो टॉपिक एनालिसिस करते हैं और जो चीजें बताते हैं उन सब को परखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, गवर्नमेंट के वेबसाइट खंगालने के बाद करते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए तो परेशानी आपको है। तो यहां जितने भी, चाहे वीकली भी सेशन होता है ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराता हूं उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसे अपडेट करता हूं। अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर जितना भी मेहनत किया हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज होने के बाद आप उत्तर गलत करके आओगे।
तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर किसी प्रकार से कोई अपडेट होगा तो मैं उसे जरूर कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो प्रदेश में 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है। पहले तहसीलों की संख्या कितनी थी, 154, अब कितना हो गया, 23 बढ़ गया, तो अभी वर्तमान समय में तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है, 177। हालांकि इस पर भी कई लोगों का कहना था कि प्रदेश में अभी 151 तहसील है, कई लोगों का कहना था कि 155 है, कई लोगों का कहना था कि 154 है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले 154 था, अब 23 बन गया, 177 हो गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी बुक में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, तहसीलों की संख्या 177 है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ऑथेंटिक कंटेंट है। अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूं तो ये सही है, ठीक। चलिए, तो पूर्व में तहसीलों की संख्या कितनी थी, 149। उसके बाद बेड़े बचेली जो है वो तहसील बना, तो कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, आपका 150। फिर चार नया तहसील बनाया गया आपका वर्ष 2019 में, तो तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, 150। 23 अगस्त 2019 को चार तहसील बने थे, उसके बाद जो है 154 हो गया था। तो कौन कौन सा था वो, लवन बालोदा बाजार का था, इसके अलावा रेंगा खारकला कवर्धा का था, सिवरी नारायण जांजगीर चांपा का था, और चिरमिरी था कोरिया का। तो 150 के बाद ये चार नए तहसील बने आपके 23 अगस्त 2019 को, उसके बाद तहसीलों की संख्या हो गई 154, और अब वर्तमान समय में 23 नए तहसील बनाए गए, तो 154 प्लस 23 कितने हो गए, 177। तो वर्तमान में 177 तहसील है। अब 23 तहसीलों का गठन किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में भी याद रखिएगा, सरगुजा डिवीजन से यानी कि सरगुजा संभाग से 5 जिलों में तहसीलों का गठन किया गया। वो 5 जिला कौन कौन से है, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा है, और इसके अलावा जसपुर है। तो कौन कौन से नया तहसील बना, यहाँ पर कोरिया में आपका कुल्हारी तहसील बना, सूरजपुर में आपका लतोरी बना, और इसके अलावा बलरामपुर में आपका बना रामचंद्रनपुर, और इसके अलावा सरगुजा में कौन कौन सा तहसील, रामचंद्रनपुर और सामरी भी बना, और इसके अलावा सरगुजा में आपका दरिमा, और जसपुर में आपका कैट तहसील बना। इसके अलावा और कौन कौन से तहसील बने, बिलासपुर डिवीजन, अगर बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा और बिलासपुर में तहसील का गठन किया गया। मुंगेली में आपका लालपुर थाना को तहसील बनाया गया है, और इसके अलावा जांजगीर चांपा में आपका बमनीडीन बन गया, बाराद्वार बना गया, इसके अलावा सारा गांव हो गया, और कोरबा में आपका दर्री और हट्टी बाजार को बनाया गया, और बिलासपुर में आपका सक्री, रतनपुर और बिलगाहाना को तहसील बनाया गया। क्लियर है। तो इस तरह से बिलासपुर डिवीजन में किस प्रकार से तहसीलों का गठन हुआ वो याद रखिएगा। दुर्ग में कहां कहां हुआ, दुर्ग में हुआ, राजनांदगांव में हुआ, बालोद में तहसील गठन किया गया, बोरी भिलाई 3 को दुर्ग जिले से तहसील बनाया गया, इसके अलावा राजनांदगांव से गंडई को तहसील बनाया गया, और इसके अलावा बालोद से जो है अर्जुनदा को तहसील बनाया गया, और रायपुर जिले से कहां कहां तहसील बना, रायपुर जिले में बना, धमतरी में बना, रायपुर से कहां बना, इसके अलावा खरोरा हो गया, गोबरा हो गया, और गोबरा नावापारा, और धमतरी से जो है आपका भाखरा को तहसील बनाया गया, और इसके अलावा बस्तर के सुकमा जिले में एक तहसील बना जिसका नाम है गांडीरस, ठीक है। और ये तहसील जो है सबसे छोटा तहसील है सुकमा का, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है, और वर्तमान समय में जो तहसीलों की संख्या है वो 177 हो गई है। तो ये था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम का पहला वीडियो, जिसमें हमने पूरे साल भर के जितने भी पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उन सब का हमने एनालिसिस किया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के जितने भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा हेल्थ से जितने रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, उन सब का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।